माय डियर कंट्रीमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट माय पॉइजनस रूट्स एंड जहरीली जड़ें। जहरीली जड़ें हिंदी में 7 कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ 2005 में लिखी गई थी और इसको डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कहानियाँ दलित समस्याओं पर हैं, दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, दलित औरतों के साथ जो बेइज्जती की जाती है, उसका प्रोटेस्ट है। इन कहानियों में ये दिया गया है। ग्रामीण भारत की पोजीशन क्या है, ग्रामीण भारत कैसा है, इन कहानियों में बताया गया है। ग्रामीण भारत में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति दलितों की क्या पोजीशन है, सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है और आर्थिक राजनैतिक, ये सारी चीज़ें इन कहानियों में आपको मिलेंगी। किस तरह का जीवन हमारे गरीब लोग, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दलित लोग व्यतीत करते हैं, उनका सजीव चित्रण किया गया है। बहुत सारी बातें और भी हैं जो मेरे परिवार और स्वयं मुझ पर लागू होती हैं। जो हम गरीब परिवार में पैदा हुए थे, एक मजदूर परिवार में, और किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, इन कहानियों में सब दिखाया गया है। ये कहानियाँ ग्रामीण भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में स्वयं मुझे नहीं कहना चाहिए, इतना आकर्षण है कि ये कहानियाँ मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और टोरिनो यूनिवर्सिटी, टोरिनो इटली में पढ़ाई जा रही हैं हिंदी एमए में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी हो रही है कि इसका जो अंग्रेजी वर्सन है, इसकी ये पूरी किताब बॉम्बे यूनिवर्सिटी और कुछ कहानियाँ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, और अभी अभी रिसेंट मेरी ये पॉइजनस रूट एमए इंग्लिश में इंक्लूड की गई है, डॉक्टर भूमि भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र मुंबई में। तो ये केवल मैंने 7 कहानियाँ लिखा, तो बहुत सारी हैं जो अगला अंक आने अगले उसमें मैं प्रकाशित कराने वाला हूँ कलेक्शन में। तो ये पहला ही कलेक्शन है मेरा और इनकी सभी कहानियाँ चर्चित हो गई हैं, जिसमें कहानियाँ हैं जहरीली जड़ें, समाजद्रोही, कंडा, खटिक का घर, हंटर्स हाउस, सोशल रेबेल एंड डंक केक्स। इन कहानियों को देश विदेश में पढ़ाया जा रहा है और इससे लगता है कि अगर दलितों की सही समस्याओं को लिखा जाए, उनका निदान बताया जाए, सही पिक्चर हो, तो वो प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, रिसर्च स्कॉलर्स, रीडर्स और समाज सेवियों को, राजनीतिज्ञों को बहुत आकर्षित करते हैं। उनमें एक रास्ता मिलता है समाज को बदलने के लिए। जब इस हिंदी वर्सन का हिंदी वर्सन जब तैयार हो गया डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली में, तो 2005 या 6 में मैंने दिल्ली में श्री प्रोफेसर अजय नावरिया के माध्यम से, उनके सहयोग से इसका लोकार्पण शीर्ष आलोचक व महापुरुष लीजेंडरी साहित्यकार प्रोफेसर नामवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र यादव,
द्वारा दिल्ली में किया गया था। पहले ही ये मेरा पहला कहानी संग्रह था और इस कहानी संग्रह के बारे में एक शीर्ष आलोचक जो लेजेंडरी साहित्यकार प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा था, मेरे बारे में कहा था, मेरी कहानियों के बारे में कहा था कि उस समय इस फंक्शन में जो दिल्ली में लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया था श्री डॉक्टर अजय नवरिया जी के प्रयास से, उसमें मोहनदास नेमिस राय जी, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, रजत रानी मीनू और सारे बहुत सारे दलित लेखक मौजूद थे, अभय दुबे जी थे नान दलित लेखकों में, डॉक्टर राजेंद्र यादव हंस के तत्कालीन संपादक भी मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में ये कहानी संग्रह का लोकार्पण किया गया था और डॉक्टर प्रोफेसर नामवर सिंह ने मेरे बारे में कहा था, सभी उपस्थित दलित राइटरों को समझाते हुए कहा था कि आपके बीच में रूप नारायण सोनकर जैसा बड़ा लेखक, दलित लेखक मौजूद हैं, फिर भी आप लोग बाहर लेखकों की तलाश कर रहे हैं, इनके साथ घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध वाली कहावत चरितार्थ न करें। मैं तो उनके वचनों को सुनकर के दंग रह गया था, झेप गया था, क्योंकि इतने पहला ही मेरा कहानी संग्रह था और इतने बड़े समालोचक द्वारा एक कमेंट मुझ पर किया जा रहा था। और उन्होंने और बात कही थी कि इनकी एक कहानी समाजद्रोही द बेस्ट कहानी है, सबसे अच्छी कहानी है, आज की कहानी है। उस कहानी में उनको इतना प्रभावित किया कि उनको ये बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों से, गरीबों से, बैकवर्ड क्लासेस से और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों से कि संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सप्लॉइटेशन जहाँ होता है, उत्पीड़न जहाँ होता है, आपकी बहनों, माताओं, भाइयों का अगर कोई समाज का क्रूर आदमी उत्पीड़न करता है तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये नारा वास्तव में अकाट नारा था, देश को, पूरे जनमानस को एक सूत्र में बांधने वाला था और इसमें विकास छिपा था, इसमें एजुकेशन छिपी थी, इसमें आर्थिक उन्नति छिपी थी। हमारे बाबा साहब ने बहुत बड़ा जनमानस को ये सूत्र दिया था, विश्व के गरीब लोगों को सूत्र दिया था, असहाय लोगों को सूत्र दिया था। और जो दबे, कुचले, प्रताड़ित, लताड़ित लोग हैं उनके बारे में कही थी। वास्तव में वो महापुरुष एक अकेला था। उस समय की सामाजिक परिस्थिति या स्थितियां बहुत ही भयावह थी, बहुत ख़राब थी, इसके बाद भी वो आदमी अकेला होते हुए संघर्ष करता रहा और अपने लिए नहीं किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब लोगों के लिए किया ये संघर्ष। और उसने एक कैसा संविधान दिया जो कि वास्तव में विश्व प्रसिद्ध संविधान बना, सभी के अधिकारों को संरक्षित किया गया। ये कहानियाँ डॉक्टर अंबेडकर की फिलासफी और दर्शन को पूर्णतया फॉलो करती हैं, मानती हैं। और मेरा मानना है कि दलित जहाँ भी रहते हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो हमको, हम सबको इस बारे में सोचना होगा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अपने भाइयों के बारे में जानना चाहिए, कौन आपका हित कर रहा है, उन दलों के बारे में जानना चाहिए कौन दल आपके अधिकारों को छीन रहा है,
कौन पार्टी आपके आने वाले संतानों को नस्तनाबूद करना चाहती है, हमको इन सब बातों पर गौर करना होगा, ध्यान देना होगा और अपनी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति उतार मजबूत करना होगा। मैं अंग्रेजी की अपनी पॉइजनस रूट्स जो अभी अभी डॉक्टर भाभा होमी डॉक्टर भाभा होमी नहीं डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र मुंबई में लगी है, उसका मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में अपनी पॉइजनस रूट्स के बारे में, ताकि मैं बता रहा हूँ कि पॉइजनस रूट्स क्या है। इसमें किताब पॉइजनस रूट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन द क्रूएल एट्रोसिटीज दैट द अपर क्लासेज हैव बीन इन्फेक्टिंग ऑन द रूरल दलित्स लोअर कास्ट आर द शेड्यूल कास्ट दोज हु कंप्राइज मोस्ट ऑफ द लेबरर्स हु डू फिजिकल लेबर टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन दे लिव इन मड हाउसेज एंड डू नॉट इवन हैव इनफ वुड एंड वूल क्लॉथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड दे आर कंपेल्ड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर एंड इफ दे ऑब्जेक्ट आर प्रोटेस्ट दे आर थ्रस्ट दे आर मेड टू स्वीप एंड स्वाब द टेम्पल्स बट आर फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस सेलिब्रेशंस। बहुत राइटरों के विचार हैं, मैं जरा उस बारे में भी आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज बाई रूप नारायण सोनकर इज ए लाइक ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर हुज डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल गिव्स वन अ फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। ईच स्टोरी इन दिस कलेक्शन टेल्स अ रेडिकल ट्रुथ एंड ब्रिंग फोर द अग्लीनेस इंटॉलरेंस एंड इनइक्वलिटीज ऑफ द सोसाइटी। नो एलिगेशंस हैव बीन मेड डिलीबरेटली दे हैव ऑटोमेटिकली इंटर्ड इन द अंडर करेंट। राइटर हैज एन इनह्यूमन सोसाइटी एंड ए शार्पन टू सियर इट। दीज स्टोरीज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी एजमार फिलासफी। द ऑथर हैज गिवन अ ट्रू एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ द पॉवर्टी ऑर्डर करप्ट सिस्टम हैंडीकैप डेमोक्रेसी एंड इन ह्यूमन सोसाइटी। दे डू नॉट अमेज अस ऑन द कॉन्ट्रेरी दे डिसहार्टेंड डिसअपॉइंट एंड एंगर अस। दीज आर द स्टोरीज ऑफ एवरी राइटर हु एनालाइज़ेस लाइफ इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। Authors' stories have broken the so-called barriers of creativity. He does not use the lingual structure or mosaic language, but the crude language of that part of the society, which he tries to bring out layer by layer. It is not enough that the author has discarded the traditional expectations and sided with time, with the Dalit, the oppressed, neglected, and the frightened society. The common man in the true sense of the term. It is this which makes the collection readable. Thank you. Jai Bharat, Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Bhim.